आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल की ओर से कई नियुक्तियां की गई है, जिसकी जानकारी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मोहसिन जफर खान ने दी है। नागपुर के सरताज मोहम्मद सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली के सजादा नशीन यूसुफ बाबा के फर्जंद तालिफ यूसुफ बाबा ताजी साहब को महाराष्ट्र सूफी संवाद के सह प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा 2024 के तहत चलाए जा रहे सूफी संवाद महाअभियान के तहत एक बड़ी जिम्मेदारी नागपुर से तलेब बाबा ताजी साहब को दी गई है, जो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में ताज नगरी का नाम रोशन कर चुके हैं और सूफी समाज के कई बड़े इदारे से जुड़े हैं। मेरा नाम मोहसिन जफर खान है। मैं भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता मेलावा और बूथ प्रमुखों की बैठक व स्नेह संवाद, और उसी में हमने एक जोड़ा था सूफी संवाद से रिलेटेड जो नियुक्ति पत्र हमको बांटना था, उसमें हमने इसमें नियुक्ति पत्र वितरण का भी कार्यक्रम छोड़ा। यहाँ पर चार बड़े संत लोगों से जुड़े हुए जो है हमारे हजरत बाबा सरकार ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नागपुर की सरजमी वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जादा नशीन यूसुफ बाबा के बेटे सैयद तलेब बाबा ताजी, उनको हमने विदा महाराष्ट्र का सह प्रमुख बनाया है सूफी संवाद का। ऐसे ही हमने फहीम निज़ामी जो मोरफाटा दरगाह से आते हैं नागपुर से 70 किलोमीटर दूर, उनको हमने विदर्भ का प्रमुख बनाया है। ऐसे ही हमारे इरफान बनानी वो विदर्भ के सह प्रमुख बनाया है। उसके साथ साथ हमारे मजहरुल्लाह खान साहब, ये सब दरगाह कमेटी से जुड़े, उनको हमने नागपुर शहर जिला का प्रमुख बनाया है। नागपुर शहर वालों ने मन बना लिया है, एक बार कहो दिल से नितिन जी फिर से, कोई ऐसी पार्टी नागपुर शहर के अंदर में फिलहाल मौजूद नहीं है जो गडकरी साहब के अब सपोज के अंदर में एक भी अपना कैंडिडेट खड़े करके दिखा दे, और खड़े भी करने में उनको इतना समय लग रहा है क्योंकि लोग जानते हैं गडकरी साहब एक ऐसा नाम है, उनका काम बोलता है। उन्होंने नागपुर में नहीं देश के अंदर में इतना ऐसा काम करा है कि पूरे देश की जनता नागपुर शहर को आज नागपुर शहर के नाम से नहीं माननीय नितिन जी गडकरी जी के नाम से जानते हैं। और मैं पूरी दावे के साथ आपको कह सकता हूँ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान समाज पूरी ताकत से नितिन जी गडकरी के साथ में खड़ा है, और नितिन जी गडकरी को 50,000 अल्पसंख्यक समाज के मत ये दिलाना हमारा मेन मकसद है। इस वक्त अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल आगामी चुनाव में अल्पसंख्यक समाज से करीब 50,000 वोट लेंगे। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ प्रकाश चुंकलवार की रिपोर्ट।